महबूबा मुफ्ती, क्या उन्होंने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान ये उन्होंने मिस कर दिया, या उन्होंने उन्हें पता था ये है फिर भी जानबूझकर अनदेखी कर दी? कश्मीर में अपने आप को मेन स्ट्रीम बोलने वाले, चाहे वो मुफ्तीज हो या अब्दुल्लाज हो, कश्मीर के ओरिजिनल इस्लामिस्ट हैं। ये लोग हैं जिनके दिल में, जिनके दिमाग में, जिनकी पॉलिटिक्स में जिना की टू नेशन थ्योरी बरकरार है। इसीलिए जब भी आप बात करते हैं ना, ये ला इला इल्लल्लाह की बात करते हैं, यहां क्या चलेगा निजाम मुस्तफा। और इनको बताना चाहता हूं, महबूबा मुफ्ती जब भी मुंह खोलती है, मैं तो वेलकम करता हूं कि उन्होंने आज ये बोला, जब भी मुंह खोलती है अपना अपना जहादी दिमाग अपने आप को एक्सपोज करती है, जो वो हमेशा पहनती है सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी का जो नकाब और हिजाब पहन के होती है ना, तो खोल देती है अपने आप को एक बार। और ये बार बार बोलते हैं, जबकि इनका कोई हक नहीं था, कोई अधिकार नहीं था, इनकी हैसियत नहीं थी कि हमने हिंदुस्तान के साथ विलय इसलिए किया, हमने महात्मा गांधी के हिंदुस्तान के साथ विलय किया। और आज खुल गए पोल, आज खुल गए पोल, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, ये इनको एक्सेप्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि कश्मीर में यहां क्या चलेगा निजामे मुस्तफा, चाहे वो जहादी हो, चाहे वो मेनस्ट्रीम जहादी हो या उग्रवादी हो, जो AK-47 लेके आज भी हिंदुओं को चुन चुन के मार रहे हैं, उसके ऊपर इनकी कोई राय नहीं है। लेकिन ये बच्चों को, छोटे बच्चों को वर्गला रहे हैं, क्योंकि एक दिन आ रहा था महात्मा गांधी का कुछ शताब्दी मना रहे हैं, बच्चे दिल से कर रहे हैं, ये उनको भड़का रहे हैं। मुझे तो, आप भड़काने का काम किया जा रहा है। मुजफ्फर खान एनसी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ वापस आओगे ललित जी। मुजफ्फर खान ये कह रहे हैं सियासी जमीन की तलाश है, बच्चों को दिक्कत नहीं है, नेताओं को दिक्कत है, बरगलाने का काम पहले भी किया, आज भी किया जा रहा है। देखें, इसमें बरगलाने वाली बात तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन एक बात जो गलत है कि अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन में एक गवर्नमेंट आर्डर करके कोई फोर्स करे कि आप ये पढ़ोगे, तो वो सरासर गलत है। अपनी मर्जी से कोई पढ़े तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये जो आर्डर निकला है इससे कि मैं कहूंगा गैर आइनी है। हमारा आइन इसकी इजाजत नहीं देता। एज ए स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैं खुद ये फील करता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता, ना वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में कोई भी मजहबी हायम हो या तकरीब हो। तो ये एक रूटीन बन गई है, यहाँ जब कोई किसी सड़क की इनॉग्रेशन भी होती है तो उसमें मजहबी तकरीब बन जाती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन परमिट नहीं करता। मजहब मेरा मेरी अपना जाती मामला है, हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको इसमें मजहब क्यों दिखाई दे रहा है? ये प्रार्थना है, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले अदनान मलिक भी नहीं समझा पाए, अब आप समझा दीजिए मुझे, इसमें आपको मजहब क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसमें राम का नाम है। प्रार्थना नहीं, इसमें राम का नाम है इसलिए आपको मजहब दिखाई दे रहा है। आप अच्छा, ये इसमें अल्लाह का नाम आता है तो दिक्कत नहीं है आपको? इसमें राम का नाम आ रहा है तो इसमें मजहब नजर आ रहा है आपको? अदिति जी, मैं जवाब देता हूँ आपकी बात का। आप जो कहते हैं कि अल्लाह का नाम आ जाना, आपको शायद याद होगा 70s में एक केस जो था वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था कि भाई नेशनल एंथम केरला के एक स्कूल में नेशनल एंथम कुछ बच्चों ने नहीं गाया। उन्होंने कहा कि इसके कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो हमारे मजहब से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। जोहवा वाज अ रिलीजन, आई स्टिल रिमेम्बर, उसमें उन्होंने कहा कि ये जोहवा के उस कंसेप्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, हम इसको नहीं गा सकते। लेकिन वो रिस्पेक्टफुली खड़े रहे, उन्होंने नहीं गाया, दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल। उस आर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट ने जो था वो कहा नहीं भाई, नेशनल एंथम जो है वो सबने गाना है। बट सुप्रीम कोर्ट फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा कि ये मर्जी है किसी की, अगर उसको नेशनल एंथम में कोई चीज अपने मजहब के खिलाफ लगती है तो आप उसको मजबूर नहीं कर सकते। अब इसमें ये मेरा अपना फेथ है, डिफरेंट लोगों का, आपसे मैं बात कर रही हूँ प्रार्थना की, आप चले गए राष्ट्रगान तक। प्रार्थना पर रहिए ना, आप प्रार्थना पर बात कीजिए। सुनिए ध्यान से सुनिएगा सर, ध्यान से सुनिए। जो राष्ट्रगान को आपने मर्जी पर छोड़ दिया ना सर, जिस राष्ट्रगान को आपने मर्जी पर छोड़ दिया, सुनिए ध्यान से सुनिएगा सर, ध्यान से सुनिएगा। उस राष्ट्रगान को गाने के लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए,
भारतीय जो है ना, भारतीय नहीं नहीं सर मुझे बोलने दीजिए, मैंने बहुत देर आपको बोलने दिया है सर। जो भारतीय है ना वो अपने दिल से खुद ब खुद गाता है। सर सुन लीजिए ना, कानून की बात तो आप पढ़ा रहे हैं मुझे, मैं आपको बेसिक पढ़ा रही हूँ, बेसिक बता रही हूँ। पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। जो एक भारतीय है ना, जब उसका राष्ट्रगान होता है वो खुद ब खुद खड़ा होता है और उसका मन करता है उसमें अपनी आवाज मिलाने का। और गलती से अगर आप विदेश में होंगे ना, ध्यान से सुनिए सर, बात पूरी नहीं हुई मेरी अभी, क्योंकि आपने राष्ट्रगान का जिक्र किया है। अगर आप विदेश में होंगे ना और अकेले इंडियन होंगे और आपकी नेशनल एंथम की धुन बजेगी, तो आप ऐसे चिल्ला चिल्ला कर गाएंगे जैसे पूरे स्टेडियम में कितना बड़ा क्राउड हो। ये सिखाना नहीं पड़ता, ये दिल से आता है सर, इसमें कानून मत पढ़ाइए। आप मुझे अभी तक ये नहीं बता पाए इतनी देर में कि इसमें क्या सांप्रदायिक है, इसमें क्या सांप्रदायिक है आप नहीं बता पाए। बहरहाल मैं चाहूंगी इनको सुनवा दीजिए, फारूक अब्दुल्ला साहब क्या गा रहे हैं, इनको सुनवाइए, अभी सुनवाइए, इनको सुनवाइए ने। मोरे मोरे राम, किस गली गयो मोरे राम, किस गली गयो मोरे राम, मोरांगन मोरांगन सुना सुना, किस गली गयो मोरे राम, मोरे श्याम, किस गली गयो मोरे राम। सखी सखी ढूंढो ढूंढो मोरे राम, मोरे राम मोरे राम मोरे राम। हमारे साथ निलोफा मसूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, लेकिन उससे पहले याना मीर मैं आपका एक कमेंट चाहती हूँ। ये फारूक साहब अभी जिस तरह से राम का नाम जप रहे थे, और ये खास तौर पर अदनान मलिक जैसे गेस्ट के लिए भी है, सवाल मेरा ये, फारूक साहब कम मुसलमान हो गए कैसे गाकर, या धर्म के प्रति उनकी आस्था में जो है वो कमी आ गई? अगर मेरे लिए सवाल है, ये आपके लिए सवाल नहीं है, याना मीर के लिए सवाल है। आपको मेरी आवाज आ रही है अदिति जी? आ रही है आपकी आवाज, आपको मेरी आवाज आ रही है जी? आ रही है आपकी आवाज आ रही है, प्लीज बोले अदिति। देखिए इट इज वेरी सिंपल, मैं आपको बता दूं, आप मुझे जानती है, मैं दिल से मैं हनुमान चालीसा भी सुनती हूँ, और अगर मुझे कोई भजन आती है मैं उसको भी गुनगुनाती हूँ। लेकिन हर एक मुसलमान ऐसे नहीं होता अदिति, यू हैव टू अंडरस्टैंड। हमारे मोदी जी, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ एक चीज के लिए, पता है वो चीज क्या है? जब उन्होंने सद्भावना समाज किया अहमदाबाद में, उन दिनों वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, सैयद मौलाना साहब ने जब उनको टोपी पहनाने की कोशिश की, उन्होंने बहुत ही प्यार से मना कर दिया। मैं अब उनके धर्म के प्रति जो उनकी लॉयल्टी थी, वफादारी थी, मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ये सेल्फ रिस्पेक्ट की एक मिसाल है जो उन्होंने खड़ी की, जबकि बहुत सारे मुसलमानों ने इस पे ऑब्जेक्शन लिया, लेकिन आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड, क्योंकि ये सेल्फ रिस्पेक्ट की एक साइन है। अब इसी तरह कुछ मुस्लिम जो होते हैं अल्लाह की तरफ वफादारी की, जब आप बात करो तो उन्हें अच्छा नहीं लगता अगर आप राम को अल्लाह बोलो या इस तरह जो ये वाली भजन है। वैसे गांधी जी ने बहुत सारी भजन गाई थी, लेकिन जो ये वाली भजन है इसमें आप राम को अल्लाह, अल्लाह को राम बोल रहे हैं, तो कुछ मुसलमानों को इससे प्रॉब्लम होती भी, तो वो जो है मजहब को इस तरह से फॉलो करते हैं कि उन्हें कहीं भी डायवर्जन दीजिए, उनको लगता है कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ रही है कि हमें क्यों इस तरह का गाना गाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और मैं नहीं कह रही कि इसमें कोई बीजेपी का हाथ है या कुछ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे इंटरफेयर करेगी कि कौन सी कि अब जाहिर सी बात है गांधी जयंती आ रही है, उसकी तैयारियां चल रही है, कौन सी स्कूल गांधी जी का कौन सा भजन उठाकर अपने बच्चों से।